सबसे पहले शांत हो जाओ, बहुत वाइब्रेट कर रहे हो तुम, ठीक है? गुस्सा है जो नौजवान का, ठीक है? तुम नौजवान हो तो तुम्हारी बात सुनने में आए ना, सुन लीजिए एकदम शांति से, ठीक है? अब बताओ, पहले तुम अपने नाम बताओ। शत्रु क्या करते हो? तैयारी करते हैं। तैयारी कर रहे हो? किस किस की तैयारी? जनरल कंपटीशन के कर रहे थे। हाँ, ग्रेजुएट हो गए। कब हुए? हुए थे 2017 में, लेकिन 2020 में हम लोग का रिजल्ट मिला है, 5 साल में। कहाँ से पढ़ाई कर रहे? क्या क्या हम कॉलेज से पढ़ाए नहीं, सिर्फ एग्जाम दिए हैं गेस्ट पेपर पढ़ के और अपने से कोचिंग पढ़ के। यहाँ टीचर ने है, बस सोच लीजिए। क्यों भावुक? क्यों भावुक होना अति जरूरी है? क्यों भावुक? आने वाला नस्ल को बर्बाद कर रहा है। किसने? जब तक बढ़िया से पढ़ाई नहीं होगा तब तक आदमी कैसे विकसित करेगा, बताइए। रोजगार का जहाँ तक मुद्दा है, हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। मालिक, इनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद आप पे आएंगे। हाँ, बताओ, नाराजगी किस बात की? नाराजगी यहाँ कॉलेज में वो टीचर नहीं होता है, एमए के पढ़ाई नहीं होता, पीजी के पढ़ाई नहीं होता है कॉलेज में। एमए यहाँ होवे नहीं करते, यहाँ जाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, पटना पढ़िए चाहे दिल्ली पढ़िए, एमए के जम्मू में पढ़ाई नहीं होता है। या तो इग्नोर कीजिए, डिस्टेंस से ग्रेजुएशन यहाँ से किया? ग्रेजुएशन यहाँ से किया जो 5 साल जो 5 साल में होगा। अब ये जो तैयार, और एक दिन भी क्लास नहीं हुआ, क्लास में हम जाते जाते किताब लेके जाके घूर घूर के चला आए हैं। रोजगार, अब इनसे बात कर लेते हैं। देखिए, हम आपसे बात करेंगे, जरूर बात सुन लीजिए सर। रोजगार के नाम पर यहाँ पहले एग्जाम होता है, उससे पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। जिसके पास पैसा है वही नौकरी करेगा, जिसके पास पैसा नहीं है नौकरी नहीं करेगा, पैसा भी है तो जिसका पहुंच है वही नौकरी करेगा, एकदम कर। सर, ऐसा नहीं है, रोजगार को लेके पहले स्पष्ट शब्दों में समझिए होता क्या है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पांडे, हम जम्मू विधानसभा से हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं युवा होते हुए भी, मैं भी ग्रेजुएट हूं और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूं। आज मैं खुल्लम खुल्ला कह सकता हूं कि एक युवा होने के नाते 75,000 रुपया मिनिमम हर महीना मैं नेटवर्क मार्केटिंग से चेक बनाता हूं। रोजगार का डिफिनेशन लोगों के दिमाग में गलत तरीके से घुसा है। कोई भी सरकार सारे युवा को रोजगार नहीं दे सकती है, आपको समझना होगा। रोजगार खुद से क्रिएट किया जाता है, रोजगार के लिए खुद एक सेकंड मालिक मेरे, एक सेकंड आपने 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 जो आपने रोजगार की बात की ना, सुनिए थोड़ा, सुन तो लिया। रोजगार का सबसे पहले इसलिए मत पकड़िए, रोजगार का डिफिनेशन इस तरह से नहीं दिया जाता है। अगर 15 साल में 5 गुना रोड बना है, रोड क्या हवा में बन गया, कोई ना कोई तो काम किया होगा, रोजगार हुआ है। अगर 5 सालों में बिहार पिछले 15 साल की तुलनात्मक दृष्टि में 5 गुना विकास हुआ है, मतलब रोजगार क्रिएट हुआ है। वह युवा बेरोजगार है जिसने रोजगार के लिए मेहनत नहीं किया, अपनी लगनशीलता नहीं दिखाई है। रोजगार उसे नहीं मिला है जिसने अपने दम पर मेहनत किया, वो बिहार में रोजगार प्राप्त किया है और रोजगार के लिए काम किया है, ऐसा कहना गलत है। राजनीतिक से प्रेरित जवाब आत्मनिर्भर भारत जो चाय बेचता है गरीबी से, उसके बोलिए चाचा आपका बढ़िया नौकरी है, अब अपने बेटा उसको बढ़िया से चाय बेचवाइए, गरम हो गया मुंह पर मारेगा पकौड़ा, रोजगार है ये। अरे फैक्ट्री लगाइए, फैक्ट्री में मेरे योगदान से नौकरी मिलेगा। ये नेटवर्किंग, नेटवर्किंग क्या नेटवर्किंग जानते हैं? एक मिनट, जी आपको जवाब दे रहे हैं ना। नाम बताइए। मेरा नाम रवि रंजन है और मैं ऑफिस मैनेजमेंट का छात्र हूँ, ठीक है? और मैं पलायन करके आया था, बाहर गया था और बल्लभगढ़ में काम करता था वहाँ पे, जिसमें हम फ्लिपकार्ट में जॉब करते थे डाटा ऑपरेटर का। लॉकडाउन हुआ, वहाँ से हम पलायन करके आए। मेरा एक सवाल है नीतीश सरकार से और आपसे भी, आपने बोला रोजगार की बात, मैं बोलता हूँ आपको, यहाँ एक सुई का फैक्ट्री है और सुनिए उद्योग की बात है, ठीक है? उद्योग की बात है तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उद्योग मंत्री जो होते हैं बिहार में क्यों होते हैं? उद्योग लाने के लिए आज तक कौन सा उद्योग आया है झक मारने के लिए है? उद्योग मंत्री झक मार गया, हवा में आ गया क्या? पांच में लालू के सरकार में आया था, सरकार में आया, किसके सरकार में आया? रोजगार का डिफिनेशन गलत है भैया, सरकार एक सेकंड मैं
अच्छा बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम एक मिनट हम बेरोजगार हैं इसलिए अभी दुख हम सुना रहे हैं। अभी पाँच साल की बात बता रहे हैं। पाँच स्टेबल होके उस तरह सुनिए, मेरी बात सुनिए सर मेरी बात सुनिए। यहाँ पे कोई दलित, कोई नोहा दलित, कोई भूमियार, कोई राजपूत नहीं है। यह एक आम बिहारी है, यह एक आम भारतवासी है, ठीक है? अब बताइए। अरे आप लोग, मेरा क्वेश्चन इनसे अच्छा अच्छा आप जैसे नीतीश कुमार के बारे में बोले सर, मेरा नाम अमित कुमार सिंह है सर। नहीं कोई बात नहीं, आपने बोला विकास, विकास के बारे में आपने बोला, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। आपने बोला कि ये सड़क बनवाया, ये एनटीपीसी पावर प्लांट बाढ़ बनाया, उसके आगे और भी बहुत सारा रोजगार दिए हैं। हम एक बात बताते हैं कि जाति पड़ता नीतीश कुमार नहीं कर रहे। वन मिनट सर ये क्वेश्चन है, जाति पड़ता है या नहीं? जाति बात कोई नहीं हो सकता बिहार में। एक एक कास्ट को ज्यादा नौकरी देता है, इसमें कोई गुनाह नहीं। एक जिला को वन मिनट आप अगर वन मिनट हमारे फॉरवर्ड में हमारे हम नहीं नहीं हमारे माँ का कृपा हो तो लाल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो जातिवाद नहीं था, आज आपको जातिवाद दिखने लगा। आप रोजगार के बारे में जातिवाद नहीं है। अरे एक सेकंड को, एक सेकंड, एक सेकंड।